निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में अस्थायी गौ संरक्षण केंद्र खोले हैं, जिसके संबंध में गोरखपुरी से विशेष बात करते हुए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामानंद ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए प्रत्येक जनपद में 1,20,00,000 रुपये गौ संरक्षण केंद्र खोलने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक निराश्रित पशुओं को रखने वालों को प्रति पशु 900 रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुरी से विशेष बात करते हुए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम नंदन ने कहा, देखिए जो निराश्रित गौवंश इधर उधर सड़कों पर घूम रहा था, उसको प्राण रक्षा देने के लिए जो कल्टी खाने में जाते थे उनको बचाने के लिए योगी महाराज जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस प्रदेश में स्थायी गौ संरक्षण केंद्र खोले। हर ज़िले में एक एक स्थायी संरक्षण केंद्र खोला गया, जिसके लिए हर ज़िले में 1,20,00,000 रुपया दिया गया। और इसके अतिरिक्त जितने भी आवश्यकता है उतने गौ अस्थायी केंद्र खोले, इसमें सारी गाय रखी जा रही हैं, उनमें रोज़ाना 30 रुपया रोज के हिसाब से भरण पोषण की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अंश मात्र है, ये पूरी सहायता नहीं है। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके अतिरिक्त अब क्योंकि वहाँ से गौवंश निकाला जाए, उसके लिए कोशिश की जा रही है कि जो किसान अपने घर में इनमें से 4 गाय रखेगा, उसे भी 30 रुपये रोज के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो अभी प्रारंभ हो रहा है और तैयारी आगे होगा।